अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और जो काम आपको करने के लिए दिया जा रहा है वो आप कर भी रहे होंगे और यकीनन आपने अपनी नोटबुक्स पे उसको मेंशन भी किया होगा और साथ से याद भी किया होगा। बेटा, जो हम साइंस का 6th क्लास का चैप्टर रीड कर रहे थे वो था हमारे पास चैप्टर नंबर 10, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने इसमें लाइट की एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के बारे में रीड किया था। जो बेटा आज हम अपना पढ़ रहे हैं, हमारे पास है जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो स्टेट फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मींस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है। नेक्स्ट बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग रेगुलर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखें, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा तो इट मींस कि वो भी 40 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज इट मीन बाय द प्लेन? द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन इज एन इमेजिनरी सरफेस अलोंग विच रेज एंड द नॉर्मल में लाए। क्या होता है? प्लेन होती है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ मिरर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप? सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वी यूज माइक्रोस्कोप एज मैग्नीफाई इमेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एस बैक्टीरिया, वायरसेस, ब्लड। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं? इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय पिन होल कैमरा। द इमेज इज एदर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट SLO क्लियर हो रहा है वो है SLO नंबर 6। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा ऑन इमेज दैट इट फॉर्म्स। ठीक है, ये पेज नंबर आपकी बुक के 124 से 125 तक मेंशन है। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है, वहाँ पेज नंबर 125 पे पिन होल कैमरा का एक टॉपिक है, उसको वहाँ से पढ़ना है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।